सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फॉर्म खोले हैं, क्या ये फॉर्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर तमाम खर्चे जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाहें जोड़ दी जाएं, तो पता चलेगा कि तमाम ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इस तरह से आप तमाम किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी असेंबली में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ, बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था एक प्रश्न के लिखित उत्तर में। यह जवाब दिया गया था, यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस स्कीम को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, तो कहीं कोई बात नहीं थी, अन्न की कमी कहीं नहीं थी, अन्न की कमी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं। जो यह चाहते हैं कि सरकार फेल हो जाए, ये लोग कहते हैं, उसको आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है, जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को ज्योतिर्लिंग डालो जल्दी नहीं समझ पाते। इनको तमाम वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो
दंगे करवाने के उत्सुक हैं, इसलिए सरकार का इन तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसको सोचना चाहिए क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं एक ऐसे संगठन से संबंध रखता हूँ जिसने स्वाधीन भारत से पूर्व अंग्रेजी राज्य के समय में इस कार्य को अपने हाथों में लिया था। इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं।